आपको ऑक्सीजन रेमडेसिविर देगा रूस, अगले 15 दिन में होगा आयात संभव। मूल्यांकन पर मशक्कत, 10वीं बोर्ड के छात्रों का कैसे होगा तैयार रिजल्ट, सीबीआई नई गाइडलाइंस बनाने में जुटा। आईबीए की सलाह, लेन देन के लिए 4 घंटे तय करें बैंक, वर्क फ्रॉम होम पर भी करेंगे विचार। केजरीवाल ने जारी किया पीएम की मीटिंग का वीडियो, भाजपा नेता बोले राजनीति कर रहे दिल्ली के सीएम। एसबीआई की रिपोर्ट में खुलासा, शहरों के साथ गांव में भी बढ़ेगा कोरोना, मई के मध्य तक होगा सर्वोच्च स्तर पर फैसला। कई देशों ने भारत की उड़ानों पर लगाई रोक, डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिलने के बाद सख्ती। कोरोना की जंग में वायुसेना बनी देवदूत, एयरलिफ्ट कर पहुंचा रही ऑक्सीजन के टैंकर। महाराष्ट्र के पालघर में कोविड अस्पताल में भीषण आग, 13 मरीजों की मौत। सोनिया गांधी वैक्सीन नीति को बदले, टीकों की एक समान कीमत सुनिश्चित करे पीएम। कोरोना के खिलाफ जंग, राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रेलवे ने बनाया हरित गलियारा। सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने अश्वेत को रोका, फिर अगले मिनट मार दी गोली, सामने आया नया वीडियो। बेल्जियम में मिला कोरोना का भारतीय वेरिएंट, स्वास्थ्य अधिकारियों ने दी जानकारी। खौफ, अब कैलाश नहीं जा सकते भारतीय, कोरोना के डर से नित्यानंद ने लगाया प्रतिबंध। फैसला, कनाडा में भारत पाकिस्तान से आने वाले यात्री उड़ाने रोकी, 30 दिन तक प्रतिबंध। कोरोना काल में मदद, भारत ने नेपाल को तोहफे में दी 39 एम्बुलेंस, 6 स्कूल बसें। बिहार में दर्दनाक हादसा, पटना में पीपा पुल की रेलिंग तोड़ गंगा में गिरी गाड़ी, 11 डूबे, अब तक 9 शव बरामद। बिहार में डाला रहा कोरोना पेशेंट की मौत का आंकड़ा, 91 ने दम तोड़ा, पर स्वास्थ्य विभाग कह रहा 59 मौतें। बिहार में स्कूल और कॉलेज 15 मई तक बंद, कुछ शर्तों के साथ शिक्षक और प्राचार्य रोजाना आएंगे। सिवान में घर से बुला ले गए युवक, हत्या कर शव को कुएं में फेंका। कोरोना संक्रमण के चलते बिहार के सभी जिलों में बनेंगे ऑक्सीजन के लैस, 100 से 500 तक बेड। पटना में गंगा नदी में जीप गिरी, 10 लोग लापता, बचाव अभियान जारी। बिहार में कोरोना से जंग में उतरी भारतीय सेना, डॉक्टरों की टीम आज पहुंचेगी ईएसआईसी अस्पताल। सीएम नीतीश के निर्णय पर संजय जायसवाल ने उठाए सवाल, जेडीयू नेताओं का पलटवार से तेज हुई बीजेपी वर्सेस जेडीयू की लड़ाई। और अब अंतिम खबर, महिला का दुपट्टे से गला दबाकर हत्या, बेगूसराय में एक हैवान ने पहले अपनी पत्नी को जमकर पीटा, फिर मौत के घाट उतार दिया।